नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखे हर हर महादेव राधे राधे। स्त्री के शरीर का वह कौन सा अंग है जिसे छूना बड़ा ही शुभ माना गया है? अगर कोई पुरुष रोज स्त्री के अंगों को स्पर्श करता है तो उसका भाग्य चमक जाता है और वह तरक्की करता है। सुबह उठकर औरत के इस अंग को छूने से धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सुबह उठते ही स्त्री के इस अंग को छू लेते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इतना पैसा आएगा कि आपको गिनने के लिए नौकर चाकर रखना पड़ेगा। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि हमको सुबह उठकर वो कौन से ऐसे काम है जो नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हर एक चीज, हर परेशानी का उपाय बताया गया है, जिसको सच्चे मन से करने पर हमें उसका परिणाम भी मिलता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में औरतों को घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है। माना जाता है जिस घर में औरतें सुबह उठते ही सबसे पहले करती है ये काम, तो उनके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से काम आपको सुबह नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि हमारे गुरु जी ने क्या कहा है कि महिलाएं वो कौन सा काम न करें। दोस्तों, उससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, सुबह उठने के बाद ऐसे कई कार्य हैं जिन्हें करने पर मनुष्य का जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने पर घर में दुख एवं दरिद्रता आती है। इसीलिए शास्त्र में सुबह उठने के बाद कुछ कार्यों को करने से वर्जित माना गया है। शास्त्र में महिलाओं को भी सुबह उठने के बाद कुछ कार्य करने की मनाही की गई है। अगर कोई स्त्री ऐसे कार्य करती है तो उसके कारण घर में दरिद्रता निवास करती है। और स्त्री के शरीर का वह कौन सा अंग है जिसे छूना बड़ा ही शुभ माना गया है? अगर कोई पुरुष रोज स्त्री के अंगों को स्पर्श करता है तो उसका भाग्य चमक जाता है और वह तरक्की करता है। आइए जान लेते हैं। नंबर एक, कुछ पुरुषों का भाग्य तभी चमकता है जब उनके घर पुत्री का जन्म होता है। इसी कारण जब भी आप सुबह उठते हैं तो अपनी बेटी का चेहरा अवश्य देखें, क्योंकि बेटी अपने पिता की अश और स्वास्थ्य की कामना करने वाली होती है। सुबह सुबह अपनी पुत्री का मुख देखने से व्यक्ति के बड़े बड़े कार्य सफल हो जाते हैं और उनके घर में मां लक्ष्मी सदैव के लिए निवास करने लगती है। नंबर दो, सुबह उठकर सबसे पहले हथेलियों के दर्शन करने के बाद पैरों को जमीन पर रखने से पहले धरती को प्रणाम करना चाहिए। धरती हमारे भार को सहन करती है, इसलिए उनका शुक्रिया किया जाता है। नंबर तीन, तुलसी को जल। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद तुलसी में भी जल चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। तुलसी में जल अर्पित करने के बाद दिया भी जलाएं। रोजाना सुबह ऐसा करने से मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है। नंबर चार, घर में नमक पानी का पोछा। वास्तु शास्त्र के अनुसार सूर्योदय से पहले पानी में नमक मिलाकर घर में पोछा लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर से निगेटिव एनर्जी दूर होती है, इसके साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर पाँच, मनुष्य को सुबह उठने के तुरंत बाद पवित्र ग्रंथों के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों से उसे ज्ञान मिलता है। जहाँ ज्ञान होता है वह सम्मान होता है।
सुबह ग्रंथों के दर्शन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इन कामों को करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 6, माँ के चरण स्पर्श। रोज सुबह उठने के बाद किसी भी पुरुष को घर से बाहर जाने से पहले अपने माँ के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है। किसी भी स्त्री का ये अंग ऐसा होता है जो किसी भी पुरुष के लिए सबसे अधिक शुभ माना गया है। जब कोई स्त्री घर में प्रवेश करती है तो उसके कदमों के साथ ही घर में लक्ष्मी आती है। जो पुत्र रोज अपनी माँ के चरण स्पर्श करता है उसका भाग्य चमक जाता है, उसकी सभी शत्रुओं का नाश होता है और उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सुबह उठने के बाद ये काम ना करे घर में गरीबी आता है। पहला काम आई ना देखना। शास्त्रों के अनुसार सुबह उठने के तुरंत बाद आईने में अपना मुंह देखना बड़ा ही अशुभ माना गया है। अगर कोई सुबह उठते ही आईना देखता है तो इससे मनुष्य में नकारात्मकता भर जाती है और इसे कार्य में सफलता नहीं मिलती। सुबह उठने के बाद परछाई देखना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। परछाई मनुष्य में डर और भ्रम पैदा करती है। रोज सुबह अपनी या दूसरों की छाया देखने से दुर्भाग्य बना रहता है और व्यक्ति सदा परेशानियों से घिरा रहता है। सुबह ही दूसरों के साथ कपट करने वाले तथा दूसरों को फंसाने वाले व्यक्ति की शक्ल ना देखें। यह लोग हमेशा दूसरों को श्राप देते हैं या दूसरों के साथ बुरा हो जाए, ऐसी कामना करते रहते हैं तो इनका मुख्य देखना बढ़ाई अशुभ होता है। कई लोगों को रात में बिना कपड़ों के सोने की आदत होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दोष लगता है और दरिद्रता घर में आती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि स्त्री की कौन सी वो अंग है जिसको छूने के बाद पुरुष मालामाल हो जाएंगे। दोस्तों, भारत देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। हमारे देश में हर स्त्री माता लक्ष्मी का रूप है। महिलाएं दो कुलों को रोशन करने वाली होती है। जन्म देने वाली माँ या बेटी के रूप में किसी की पत्नी बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाती है और परिवार का निर्माण भी करती है। औरत हर घर में खुशियाँ लाती है। इसी वजह से हमारे देश में हर महिला को देवी का दर्जा दिया जाता है। एक औरत ही होती है जो किसी भी घर को स्वर्ग और नर्क में बदल सकती है। औरत के अंदर ऐसे गुण होते हैं जिनकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता है। बहुत ही सहनशीलता रखने वाली होती है, तो आपको हमेशा अपनी पत्नी से रात को सोते समय प्यार मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी कभी आपसे यह नहीं कहेगी कि आप उसे प्यार करें, बल्कि वह चाहते हैं कि आप उसको प्यार करें। इसीलिए दोस्तों, आपको कभी भी अपनी पत्नी से प्यार मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी पत्नी आपसे बहुत ज्यादा पसंद होगी और देवी लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका घर बन जाएगा स्वर्ग जैसा और खुशियाँ आपके कदम चूमेगी और पैसा तो आपके घर में ऐसा आएगा जैसे मानव बरसता हुआ। और सदा ही औरतों का सम्मान करें और अपने माँ के चरण रोज सुबह उठकर जरूर छुए। ऐसा करने से आपके जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखें हर हर महादेव, राधे राधे।